जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में वेश्या महासभा और प्राचीन शिव मंदिर समिति द्वारा गणेश महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। बता दें कि मंडल पड़ाव और रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले गणेश महोत्सव को लेकर आयोजकों ने मीडिया के सामने पूरी जानकारी रखी। इस दौरान उन्होंने बताया कि गणेश महोत्सव में मूर्ति स्थापना से लेकर मटकी फोड़ प्रतियोगिता के साथ ही छात्र छात्राओं के लिए क्विज पत्र प्रतियोगिता और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वैश्य महासभा द्वारा 21वां वर्ष हमारा प्रवेश प्रारंभ कर रहा है और दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता हमारी 8 तारीख को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी, जो कि उनके प्रायोजक हैं पाल वाले तनिष्क, जो तनिष्क का शोरूम है उनका, उनके द्वारा वो प्रायोजक है हमारे, और रणफोड़ गणेशा के प्रायोजक हमारे ब्रास वाले हैं, और चित्रा प्रतियोगिता के पूरे नेंशंस जिनके तीनों के तीनों प्रायोजक हमारे हैं, जिनके नाम आपको अंकित करा दिए हैं। मुख्य आकर्षक हमारा दही हांडी फोड़ो प्रतियोगिता होती है, जो कि उत्तराखंड में पहला कार्यक्रम होता है, रोचक कार्यक्रम होता है। 7 तारीख से शुरू होगा, उससे पूर्व 6 तारीख को युवा समाज द्वारा, युवा समिति द्वारा वाहन रैली है। 7 तारीख से 12 तारीख तक नित्य पूजन होगा, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, शाम को 5 बजे से 8:30 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रवचन। प्रवचन हमारे जो शहर के प्रबुद्ध ब्राह्मण जन है उनके द्वारा किए जाते हैं, धार्मिक प्रवचन होते हैं। और इस बार 12 तारीख को एक भजन संध्या का भी आयोजन है, जो पारस माधवी लाडला वृंदावन के एक पति पत्नी की जोड़ी है, वो भजन करेंगे और बहुत सुंदर भजन होते हैं, और मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रस्तुति शहर को मिलने वाली होगी। पूर्व वैश्य महासभा द्वारा गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया इस शहर में। 21 वर्ष पूर्व ये एक बेला थी, उसके बाद पूरे शहर में ही गणेश महोत्सव का आयोजन होते रहा। केवल गणेश महोत्सव वैश्य महासभा इसका आयोजन करती है, समाज का सभी वर्ग इसमें भाग लेते हैं, प्रतिभाग लेते हैं, और उसके अलावा इस वर्ष बहुत भव्य रूप से हम मनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें रन फॉर गणेशा और उसके अलावा दही हांडी फोड़ की प्रतियोगिता जो कि उसका आयोजन किया है, एक भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया है। वर्षों से लगातार प्राचीन शिव मंदिर कमेटी यहाँ बड़ी धूमधाम से भगवान गणपति जी का महोत्सव आयोजित कर रही है। 18वें वर्ष की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आप सबके सहयोग से, भगवान गणपति जी के आशीर्वाद से बहुत ही सुंदर आयोजन होने जा रहा है। 8 तारीख को शहर में बढ़ती हुई रक्त की कमी, थैलेसीमिया बीमारी को देखते हुए रक्तदान शिविर किया है, जिसमें होटल हैप्पी होम के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। और हमारा मिशन है 150 से ज़्यादा हल्द्वानी के युवाओं को, महिलाओं को, युवा साथियों को लेकर इस शिविर में रक्तदान करें। और 9 तारीख को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, 10 तारीख को बड़े भाई सुरेंद्र नागर बॉबी जी की स्मृति में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई है, और 11 तारीख को यहाँ एक बहुत ही सुंदर डांडिया उत्सव का आयोजन किया गया, जो कि हट गार्डन के सहयोग से है, और 12 तारीख को भगवान खाटू श्याम की बहुत सुंदर संध्या है। और दूर दराज से हमारे इस आयोजन में आने के लिए अतिथि हैं, अरुण गोविल जी जो सांसद हैं, भगवान राम जी का चरित्र निभाया, वो हमारे कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी हमारे साथी पहुंच रहे, धन्यवाद। इस प्राचीन शिव मंदिर समिति द्वारा लगातार 17 वर्षों से इस गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार 18वां गणेश महोत्सव है, जिसमें रक्तदान शिविर, क्योंकि धार्मिक कार्य सभी संस्थाएं भी करती हैं और सभी लोग दिल से करते हैं, पर हमने प्राचीन श्री शिव मंदिर समिति के साथियों ने शहर की हमारे थैलेसीमिया बीमारी पीड़ित व्यक्तियों को देखते हुए लगातार 4थे वर्ष हम इस कार्यक्रम रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिससे पीड़ित व्यक्तियों को हम समय के जिनको खून की आवश्यकता है, ब्लड के कैंपों के माध्यम से उनको रक्त हम उपस्थित दे सकें, इसके लिए हमारा एक सुंदर प्रयास आप सभी के सहयोग से होता है, जिसे पत्रकार बंधु हमारा सभी सहयोग करते हैं, और बहुत ही सुंदर खाडू बाबा का दरबार, जिसमें निशान यात्रा सुबह 12 बजे या 8:30 बजे से राम मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगी, जिसमें 500 महिलाएं लगभग यहाँ से बाबा का गुणगान करते हुए जाएंगी, और बहुत ही सुंदर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है, भाई बॉबी नागर की स्मृति में समान ज्ञान प्रतियोगिता है, बेस्ट बहुत ही सुंदर डांडिया का प्रोग्राम है, जो द हट गार्डन रेस्टोरेंट की तरफ से आयोजित किया जा रहा है,